नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ के चौक पर स्थित बैंक का बड़ौदा शहर का लाइफलाइन माना जाता है, जहां चौक पर स्थित होने के कारण वह बैंक मैनेजर व अन्य स्टाफ की अच्छी कार्यशैली की वजह से बैंक में चौक के आसपास स्थित अधिकांशतः व्यापारियों का खाता इसी बैंक में, और व्यापारियों को सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बैंक उनके लिए सुरक्षित व सुविधाजनक। वहीं इस बैंक में एक व्यक्ति की वजह से बैंक से कुछ खाताधारकों में आक्रोश देखा जा रहा है। बैंक में जनपद के शुभमान परिवार के लोग कुछ प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं। उनके कई घर के कई सदस्यों का खाता भी इसी बैंक में है। इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनकी पत्नी खाते का लेन देन करती है। उन्होंने टीवी 20 न्यूज को बताया कि बैंक के कैशियर राजेश मिश्रा द्वारा उनके साथ बराबर दुर्व्यवहार किया जाता है, जो शिकायत शाखा प्रबंधक से भी कर चुके हैं। उन्होंने भी बताया कि दर्जनों लोगों से आए दिन कैशियर राजेश मिश्रा द्वारा हमेशा विवाद होता रहता है। महिला ने बताया कि उनके कई खाता होने की वजह से अलग अलग खातों का पैसा जमा करने के लिए वो बैंक में जाती हैं, लेकिन कैशियर द्वारा अकाउंट का पैसा जमा करने के बाद दूसरे अकाउंट के पैसे को दूसरे काउंटर पर जमा करने के लिए बोला जाता है। महिला का कहना है कि मैं कहां लाइन लगाकर पैसा जमा करूं। आपको बता दें कि उस खबर में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उसी शिकायती पत्र की है, जिस शिकायत पत्रों के माध्यम से खाताधारकों ने मैनेजर से शिकायत किया है। इस तरह पॉपुलर ट्रेडर्स किंग फार्मेसी द्वारा भी इस कैशियर के खिलाफ शिकायत किया जा चुका है। बताया जाता है कि उस कैशियर का उच्च पदस्थ बैंक अधिकारियों से उचित संबंध है, जिसकी वजह से आए दिन ग्राहकों से दुर्व्यवहार करता रहता है। ज्ञात हो कि एक तरफ जहां हर बैंक अपने ग्राहकों की संख्या व बैंक का कारोबार बढ़ाने के लिए शहर में घूम घूम करके ग्राहक बनाने व डिपॉजिट बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन इस कैशियर की वजह से बैंक की छवि धूमिल हो रही है। लोगों ने इस कैशियर के ऊपर जाँच कर कार्रवाई की मांग की है, जिससे शहर में स्थित यह बैंक व्यापारियों के लिए लाइफलाइन बन सके। ये वीडियो देखिए। आपकी ही शिकायत की आ गई है बार बार। मैं जब चेंबर बैठा हूँ, किसी का क्यों नहीं आता? सत्य में बैठा नहीं आता, मीडिया मेरी बैठती नहीं आता, आप ही क्या झगड़ा होता है? आखिर आप तो क्या सिंह बढ़ा के वो शिकायत कर रही है? क्या वो शिकायत कर रही है? बताओ, जो हम बतिया कहनी है वो हम कहें, उसको अनुचित मानते हैं? वो अनुचित मानेंगे, हम उसको अनुचित मान रहे हैं। तो क्या करें, उसके जगह पे आप तो माफी मांगे, आप ही माफी मांगेंगे? आप 50,000 आप कैसे लेंगे? 10,000 फिर बाद में लाए जाएंगे? अरे भाई, मैंने ये भी कहा 10,000 ना हो तो वहाँ दे दिए। नहीं, क्यों? फिर अगले बार मैंने कहा अच्छा लाइए। क्यों आप लाए? क्यों आप जब मेरा संबंध आप ले लेते हैं तो कस्टमर भी तो समझिए, कस्टमर तो सब संबंधी होते हैं। मैं इस वाला से दो सबसे और काउंटर की शिकायत क्यों नहीं आती? आप ही शिकायत क्यों लेकिन हमको उत्तर देना पड़ता है। सर देखे हैं, पेमेंट कराने चार पांच कस्टमर का शिकायत आपका किए हैं। अच्छा ठीक है, आप भी शिकायत करते हैं? आप शिकायत बताए, काउंटर भी चले जाते हैं अंदर? हाँ, क्यों नहीं? आप नहीं तो मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा कि आप केवल मुझे मत समझिए। नहीं, मैंने पहले ही नहीं, हम बताए, आप मुझे केवल वीआईपी मुझे मत समझिए। सब वीआईपी कोटा वाले बताइए, हम क्या करें? हम सबको वीआईपी, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कस्टमर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि केवल मिश्रा जी की शिकायत क्यों आपके चैम्बर में आता है? मैं कई बार डेली एक क्यों सर, आपकी शिकायत क्यों जाती है?